हे एवरीवन, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में जो कि करंटली मार्केट में आया हुआ है। एक ऐसे शेयर जो कि 1000% से भी ज़्यादा बहुत ही शॉर्ट पीरियड में रिटर्न्स दे चुका है एंड शायद इन फ्यूचर आपको और भी रिटर्न्स दे सकता है, जिसका नाम है धात्री उद्योग। बट क्या ये शेयर सेफ एंड सिक्योर है? क्या आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए? इसकी एक फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और क्या आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए यानी दैट इसे बाय करना चाहिए नहीं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना लेट किए। सो हम आ चुके हैं अपने गूगल ब्राउजर पर और यहाँ पर अगर बात करें धात्री उद्योग की, तो करंटली आज वाले दिन जो है ये शेयर 5% तक रिटर्न दे चुका है, ठीक है, एंड करंटली ये 287 पर ट्रेड कर रहा है। अगर हम बात करें लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स, तो ये 250% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दे चुका है। एंड इसके अलावा अगर हम लास्ट 5 ईयर्स की बात करें, तो लास्ट 5 ईयर्स में इसने 592% का रिटर्न्स दे चुकी है। बट अगर हम इसे 2022 के बीच मिड ईयर से अगर देखें एंड उसके बाद हाईएस्ट देखें, तो ये 2000 से लेकर 3000% तक का रिटर्न जो है अपने इन्वेस्टर्स को दे चुकी है, जो कि काफ़ी मैसिव ग्रोथ एंड हाई रिटर्न्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये देखकर बहुत सारे लोग क्विकली यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहेंगे, बट मैं आपको जस्ट बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा टाइम दो और आप इसे अच्छे से क्लैरिफाई कर लो कि क्या यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं। लास्ट 1 मंथ की बात करें तो 53% तक रिटर्न है एंड लास्ट 5 डेज में यहाँ पर हमें मिला हुआ है एज यू कैन सी 13 to 14% तक जो है रिटर्न हमें मिल चुका है। बट क्या ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है? हाँ, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या नहीं, यही सारी चीज़ें देखने के बाद ही जो हम क्लियर हो पाते हैं कि क्या हमें यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। और क्योंकि ये जो ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है, ये ग्रोथ अगर फंडामेंटल एनालिसिस के बिना ही, फंडामेंटल स्ट्रांगनेस होने के बिना ही अगर ये ग्रोथ दे रही है, ये क्विकली सिर्फ जंप की जा रही है धात्री उद्योग लिमिटेड, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकता है। दैट्स व्हाई लेट्स गो फॉर डिटेल एंड डीप डाइव। अगर हम इसकी मार्केट कैप की बात करती है, 312 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है, राइट, बहुत ही अच्छी बात है। और इसकी पी रेशियो देखें तो ये भी काफ़ी स्टेबल है, लाइक कम दिख रहा है, 10.6 का है, ठीक है, राइट। अगर हम 52 वीक लोएस्ट एंड हाईएस्ट की बात करें तो 73.9 है एंड हाईएस्ट है 287, राइट। बट इसकी फंडामेंटल्स देखने के लिए हम क्विकली विजिट करते हैं BSE की वेबसाइट पर। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये शेयर 287 पर ट्रेड कर रहा है धात्री उद्योग लिमिटेड, राइट। बट जैसे हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो हमें यहाँ पर ना एक रेड कलर में IRP स्टेज 0 का सेक्शन देखने को मिल रहा है, राइट। ये क्या है, आइए हम समझते हैं। IRP एक ऐसा स्टेज है जैसे कि उसे बोला जाता है कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस इज ए प्रोसीड्योर स्टेबलाइज अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी को 2016 वेब। दैट मीन्स कि ये जो कंपनी है ना, ये इंसॉल्वेंसी फेस कर रही है एंड बैंक्रप्सी फेस कर रही है एंड ये बैंक्रप्ट कंपनी है, राइट। ओ, ये एक बड़ी खुलासा है, एक बैंक्रप्ट कंपनी जो है क्विकली ऐसे मैसिव ग्रोथ कैसे दे सकती है, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो यहाँ पर हम देखिए 52 वीक लोएस्ट एंड हाईएस्ट, 73 लोएस्ट था, 287 हाईएस्ट, काफ़ी मैसिव जंप है यहाँ पर। अब यहाँ अगर हम इसकी PE रेशियो देखें तो ये हमें देखने को मिल रहा है 46.81 एंड इसकी PE रेशियो जस्ट 4.81 है। दैट मीन्स कि एक शेयर को अगर अभी आप बाय करते हो ना, तो उसे आप ₹1 होता था उसके जगह आप जो है 4.81 टाइम्स हायर देना प्रेफर कर रहे हो, उसकी PB रेशियो ये प्रेफर करते, ये शो करता है। बट यहाँ बुक वैल्यू, दैट मीन्स कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी हाई है, 90.01 है एंड वही डेप्ट इनका काफ़ी कम है, 1.19 करोड़ एंड सेल्स वगैरह में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। बट अगर हम देखें तो कुछ महीनों में जो है यहाँ पर ना इनकी ट्रेडिंग नंबर्स काफ़ी हाई हो चुकी हैं। कभी एक महीने पहले सिर्फ 15,000 की ट्रेडिंग्स होती थी एंड वही आज लंद जो है 86,000 हमें देखने को मिल रही है। आखिर ये कैसे हुआ वो भी हम इसके बीच में ही जानेंगे। अब क्विकली हम इसके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, ओके। सो अगर हम बात करें इनकी ओवरव्यू, तो यहाँ पर रेवेन्यू इनका हुआ है 2019 में हाईएस्ट था 751 एंड वही गिर कर 2023 में करेंटली हुआ है 107। 2022 में ये बस 11 करोड़ के रेवेन्यू जनरेट की थी। सो अगर हम इसके कंपैरिजन में देखें तो अभी कुछ खास ग्रोथ यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा, बट हाँ एज कम्पेयर टू दिस ईयर्स यहाँ पर 2023 में काफ़ी हाई रिटर्न्स मिले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इनकी नेट प्रॉफिट की, तो ये हमें नॉट स्टेबल देखने को मिले, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, एंड 2023 में ये 6 करोड़ की लॉस हमें यहाँ पर देते हुए देखने को मिल रहा है, राइट। अब इसके बाद हम बात करें इसकी डेप टू इक्विटी रेशियो, तो ये भी हमें कुछ खास स्टेबल नहीं देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम इस पर इसकी बुक वैल्यू पर शेयर देखें तो ये काफ़ी हाई है 929 का। इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न ये बहुत मैटर करता है। अगर हम बात करें तो 9.9% जो है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के पास है
एंड कुछ हिस्सा अदर लोगों के पास है, बट 90% जो है यहाँ पर किसके पास है, प्रोमोटर्स के पास है। मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट बता दूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूँ कि किसी भी कंपनी का जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है ना, वो 75% से ज़्यादा ना, 75% ज़्यादा हो ही नहीं सकता, बट यहाँ पर हम देखें 90%। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो है प्रोमोटर्स को सेल करना चाहिए, बट अब तक इन्होंने जो सेल नहीं किया। दैट मीन्स कि मैनी टेक्निकल इशूज यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। सो अब हम अपने पॉइंट पर आते हैं कि आखिर क्यों यहाँ पर हमें इतना हाई ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिले धात्री उद्योग में। तो उससे पहले जान लेते हैं कि क्या क्या हमें यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट्स दिखने को मिले। सबसे पहला ये है कि इनके जो फाइनेंशियल नंबर्स है बहुत ही स्टेबल नहीं है। सेकेंडली अगर बात करें तो ये एक बैंक्रप्ट कंपनी है। थर्डली जिस ईयर में 2022 में जिस ईयर में इनका सेल्स एंड रेवेन्यू को बहुत ही कम था, उस ईयर में इनका चार्ट पैटर्न हमें काफ़ी हाई जाते हुए देखने को मिला। तो अगेन फाइनेंशियल्स इनके बहुत ही अनस्टेबल है। तो ये मेजर तीन पॉइंट्स है जो कि मुझे यहाँ पर अभी देखने को मिले हैं। अब स्पाइक के पीछे का मेजर रीज़न ये हो सकता है कि इससे जो है मैनिपुलेट किया जा रहा है वाया सम एड्स जो कि आपको मैसेज में आ रहे होंगे, या तो फिर आप वाया यूट्यूब आपको जो है यहाँ पर ये एड्स देखने को मिल रहे होंगे, राइट। सो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आपको क्या करेंटली एंट्री करनी चाहिए, फिर बाय करना चाहिए या नहीं, देखिए कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बाय या फिर सेल करना चाहिए या नहीं। क्योंकि ये वीडियो ना सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज के लिए थी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुझे आपको बताना था कि और रिव्यू देना था और एक रिसर्च करके बताना था क्या ये कंपनी सही है या नहीं। बट यहाँ पर इन्वेस्ट करना काफ़ी रिस्की है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो छोटे से अमाउंट के साथ, तो आप छोटा सा अमाउंट ट्राई कर सकते हो, 20 रुपये, 50 रुपये, या फिर 500 रुपये, फिर 100 रुपये, बट यहाँ पर बड़ा अमाउंट लगाकर इन्वेस्ट करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। एंड आई डोंट नो कि ये वीडियो कब तक यूट्यूब पर रहेगी, बिकॉज ये जो पल्टन है ऑपरेटर्स की, ठीक है, वो शायद मेरे वीडियोज़ को भी टेक डाउन करवा सके पॉसिबिलिटी से, बट इन्हें सेवी काफ़ी अच्छे से स्ट्रिक्टली चेक कर रही, इनके ऊपर नज़र रखी हुई है, वो बात की बात है। बट सेवी इन तक पहुँचे उससे पहले आपको इसके बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि सेवी को इन स्कैम्स में पहुंचने में बहुत टाइम भी लग सकता है, उससे पहले आपको अवेयर हो जाना चाहिए, ठीक है। सो अल्टीमेटली इस शेयर को करेंटली बाय करना बहुत ही रिस्की हो सकता है, बट अगर आप बाय करना चाहते हैं तो यू कैन गो विद दैट। बट कैसे बाय किया जाता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है एक डीमेट अकाउंट का, ठीक है, 5 पैसे का। सिंपली आपको KYC करवा करके सबसे पहले अपना एक डीमेट अकाउंट खोलना होता है, एंड उसके बाद विद इन 24 आवर्स जो है आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। सिंपली आपको ये शेयर सर्च करना होगा एंड आप बाय कर सकते हो, और साथ ही साथ अब जब चाहो तब सेल कर सकते हो। पर ध्यान रखिएगा यहाँ पर ना मिनिमम 2 to 3 days लग सकता है इसके बाइंग को ना आपके अकाउंट में सेटल होने में, बिकॉज ये अभी IRP के स्टेज में है। IRP दैट मीन्स कि एक इंसॉल्वेंसी या फिर बैंक करप्सी जो है ये फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको बाय करना है तो आप जा सकते हो उसी प्रोसेस के थ्रू। जैसे फ्रेंड्स, ऐसा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर किसी कोई इंक्वायरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगली और भी ऐसी वीडियोस के लिए हमें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।